मोनाक्षा दोम ना ठीक है बहुत ज़्यादा भी। उसके बाद से मोहम्मद मुअज़्ज़म बज़्म-ए-सुलेमानी मोहम्मद मुअज़्ज़म सैंडलवी दोम بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حاضرین مجلس آج کی یہ ساعت ہماری خوشبختی اور نصیبہ واری کا دیباچہ ہے کہ آج ہم جمعیت الاسلام کے قافلہ علم و ادب کاروان تہذیب و ثقافت کا اختتامی و انعامی پروگرام حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم کی صدارت میں منعقد کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت والا کی تشریف آوری پر ہم دل کی گہرائیوں سے عقیدت و نیاز مندی کے پھول نشاور کرتے ہیں۔ حضرت والا کی تشریف آوری کے بعد اس نشست کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں برادرم محمد سلطان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس نشست کا آغاز فرمائیں۔ عبداللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ शाम है इसकी नूरानी
ये बज़्म है उन शाहीनों की फितरत में है जिनकी सुल्तानी ये कल्बो नजर की दुनिया है ये कल्बो नजर की दुनिया है हर नक्श है इस काला फानी हम नाजिश मुल्को मिल्लत है हमसे है दरख्शां सुबह वतन हम ताबिश दी हम नूरे यकी हम हुस्न अमल हम खुल्क हसन गकी बसती है ये अहले खिरद का गहवारा हर चीज यहाँ की शेपारा हर फर्द यहाँ का मसूद तक पहुंच सके हैं। हम बेहद ममनून हैं हजरत मोहतमिम साहब दामत बरकातहुम के उन्हीं की हिदायत व सरपरस्ती में हमारा काफिला सफर करते हुए मंजिल मसूद तक पहुंचा है। इसी तरह हम मुरब्बियान अल इस्लाम जनाब मौलाना फखरुद्दीन तैयब साहब नदवी जनाब मौलाना अनीस अहमद साहब नदवी और जनाब मौलाना अब्दुल रहीम साहब नदवी के भी बे इंतहा ममनून है कि अल इस्लाह की तमाम सरगर्मियां इन्हीं हजरात की निगरानी में अंजाम पाई जिनकी रहनुमाई हमें कदम कदम हासिल रही। साथ ही साथ हम अपने मुखलिस रुफकाए अंजुमन मोतमदीन और आकीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी मेहनतें काविशें और कोशिशें अगर ना होती तो हम किसी तरह भी कामयाब नहीं हो सकते थे। अल्लाह इन सबको जजाए खैर अदा फरमाए। सालराह शोबाए जमीयतुल इस्लाह की सरगर्मियों पर एक सरसरी नजर बज़्म खिताबत। सालराह इस शोबे के तहत 22 जलसे मुनक़िद हुए जिसमें तलबा मुकर्रर अनावीन पर तैयारी करके पूरी दिलचस्पी के साथ मुसलसल शरीक होते रहे। बज़्म सुलेमानी सालराह बज़्म सुलेमानी के 11 जलसे मुनक़िद हुए। अलावा हज़ी दरमियान साल में इसका एक इनामी मुसाबका बनवान फजलाए नदवा और सीरत निगारी मुनक़िद हुआ जिसमें तलबा ने पूरी दिलचस्पी के साथ हिस्सा लिया। शोबा सहाफत
इन साल तकरीबन 21 जुदाइयों को मंजूरी दी गई, रवा साल जिनके 3 शुमारे निकले, जिसमें इसके 2 इनामी मुसाबते बानवान अल्लामा शिबली बहसियत एक मौरख और अदीब और उलमाए हिंद की कुरानी खिदमात शामिल हैं। शोबे सकाफत, इस शोबे के तहत अल्हम्दुलिल्लाह इन साल माहिरीन के तकरीबन 12 इल्मी व तहकीकी मुहाजरात मुनक्किद हुए। अलावा आजी दरमियान साल में हिफ्ज अशार का एक इनामी मुसाबका भी मुनक्किद हुआ, जिसमें तलबा ने संजीदा और इस्लामी अशार का हिफ्ज का मजमुआ हिफ्ज किया। दारुल कुतुब व दारुल अखबार, अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों शोबे भी फ़ाल रहे और तलबा ने पूरी दिलचस्पी के साथ इन दोनों शोबों से भरपूर इस्तेफादा किया। बज़्म जौहर, इस शोबे के तहत अंग्रेजी किताबों की भी एक नायाब लाइब्रेरी कायम है, जिससे तलबा मुसलसल फ़ायदा उठाते रहे। नीज इस शोबे के तहत अंग्रेजी जुबान में तकरीर तहरीर के तकरीबन 18 प्रोग्राम मुनक्किद हुए। इसके अलावा 29 मार्च 2015 को अरकान मजलिस इंतजामी नदवतुल उलमा की आमद पर बाद नमाज असर एक इस्तकबालिया नशिस्त मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत भी हजरत नाज़िम साहब दामत बरकातहुम ने फरमाई। इस मुनासिबत से हजरत मोहतमिम साहब दामत बरकातहुम और जनाब मौलाना तकीउद्दीन साहब नदवी मज़ाहिरी और जनाब मुफ्ती अशरफ अली बाकवी साहब ने भी खिताब फरमाया। इस मुख्तसर जायजे के बाद हम हजरत नाज़िम साहब और मोहतरमा तालीमात साहब से दरख्वास्त करते हैं कि मुसाबकात में फायज होने वाले तलबा के दरमियान इनाम तकसीम फरमा दें। मुसाबका मुनाक्षा, मोहम्मद इकबाल, अयाज आलम। मुसाबका शेर सुखन, जुमरा खिताबत बरजस्ता मोहम्मद मेराज, गुफरान शकील, खिताबत मुहद्दद उलिया मोहम्मद अबरार आदिल, मोहम्मद जाहिद, सलमान दहलवी। खिताबत मुहद्दद सुफला मोहम्मद आसिम, मोहम्मद मुअज्जम संदीलवी, मोहम्मद मुअज्जम। मुसाबका सुलेमानी उलिया गुफरान शकील, मोहम्मद शहबाज अख्तर, मोहम्मद अरशद फैजाबादी। मुसाबका सुलेमानी सुफला मोहम्मद सुहैल, मोहम्मद मुअज्जम संदीलवी। बरजस्ता तहरीरी मुसाबका अब्दुल वाहिद, अयाज आलम, मुकर्रम आजम। मुसाबका सहाफत अब्दुल वाहिद, सैयद मसीहुल्ला। अंग्रेजी खिताबत मोहम्मद एहतिशाम। अंग्रेजी मकाला निगारी अशफाक अहमद शाह। मोहतमदीन, मोहतमद खिताबत जियाउल्ला। मोहतमद सुलेमानी मोहम्मद शादाब। मोहतमद सहाफत सैयद मसीहुल्ला, मोहम्मद आमिर, शकील अहमद। मोहतमद दारुल कुतुब अशफाक अहमद वानी। मोहतमद दारुल अखबार अबुल हसनात
मोहम्मद हंजला, मोहतमद सकाफत उबैद अहमद खैराबादी, आफ्ताब रहमानी, बज़्म जाहिर मकाला निगारी मोहम्मद हसीबुल्ला, मोहतमद जौहर लाइब्रेरी मोहम्मद अनस मुबशिर रिजवान, मुआविन नाजिम मोहम्मद फरमान, अराकीन मोहम्मद अजद, मोहम्मद जैद, मोहम्मद अरकम, सरफराज अहमद, मोहम्मद जमशेद, नायब नाजिम अब्दुल्ला कानपुरी, मोहतरम असातिज़ा इकराम, दोस्तों और अज़ीज़ों, सालाना मुसाबक़ात में अव्वल दो मुसम पोजीशन से कामयाब होने वाले तलबा को इनाम से नवाजा गया। अब आखिर में जो इनाम वो नाज़िम अल इस्लाह मोहम्मद अनस खैराबादी, मैं दरख्वास्त करूँगा इनसे कि बदस हज़रत नाज़िम साहब से अपना इनाम हासिल करें। सामईन, बस इस मुबारक मौके पर सालाना मजल्ला अल इस्लाह तालीमी साल 2014-15 का इजरा होना है। इसी तरह एक दूसरी किताब वक़ाए अहमदी, इसका भी इजरा अमल में आना है। लिहाजा इसकी कार्रवाई के लिए हम अपने उस्ताद जनाब मौलाना नज़रुल हफीज़ साहब नदवी दामत बरकातहुम से दरख्वास्त करते हैं कि आप माइक पर तशरीफ़ ले आएँ। अभी हमारे अजीज तलबा ने साल भर के अंदर सिर्फ बड़ी बोर्डिंग या इसरा की निगरानी में मुख्तलिफ इल्मी दीनी और तारीखी अदबी मौजूदात पर मकालात लिखे और इनामी मुकाबलों में हिस्सा लिया और ये इनामात तकसीम हुए। गौर करने की बात यह है कि ये सिलसिला जो एक सिर्फ एक अदारे की निगरानी में जारी है हिंदुस्तान, बल्कि बदले सगीर में कितने हज़ारों इदारे हैं दीनी इल्मी जो ये काम अंजाम दे रहे हैं। कभी हमने गौर किया कि इसके पीछे कौन सी ताकत थी और कौन सी तहरीक थी जिसने हिंदुस्तान में दीन और दावत की सरगर्मियों को जारी रखने पर उन्हें मजबूर किया। इस तहरीक का अगर तस्करा हम करेंगे तो लाजिमी तौर पर इसमें बुनियादी तौर पर नाम आएगा अमीर मोमिनीन सैयद अल आरिफीन व इमाम अल मुजाहिदीन हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उनके रफ़ाक़ा का। तहरीक शहीद हैं जिससे हम याद करते हैं। इस तहरीक का बहुत बड़ा एहसान है पूरे बदसवीर पर। और शेख अलिस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने फरमाया था कि सैयद साहब वो हैं जिनकी वजह से हम मुसलमान हैं। और मौलाना मोहम्मद इजाज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि हम अभी तक सैयद साहब की तजदीद के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसका मतलब ये था कि पूरे बदसवीर पर जो इस वक्त बहार आई हुई है मुसलमानों की आबादी के लिहाज से, उनके दीनी अकायद के लिहाज से, दीनी तालीमी सरगर्मी के अतबार से, उसमें
इस तहरीक का बुनियादी हाथ है। असल कीमत इस किताब की 1150 है, लेकिन सिर्फ आज अजीज तलबा के लिए इसकी कीमत सिर्फ 400 रुपये रखी गई। अब हम आखिर में दरख्वास्त करते हैं मुहक्किस से, सैयद साहबान साकिब से, कि वो अपनी इस काविश को हज़रत नाज़िम साहब की खिदमत में पेश करें। सैयद साहबान साकिब।